आज आपको मेलिंग टैब के बारे में बताएंगे। मेलिंग टैब में आप सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज में अगर देखिएगा, मेलिंग टैब आपको जो यूज किया जाता है वो एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने इनवेलप लेवल के लिए, सिंगल के लिए बताया था, मेलिंग टैब का मतलब ये है कि आप इसमें एक से ज्यादा, मतलब 10, 20, 50, जितना अनलिमिटेड आप चाहते हैं उतने का आपका यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी लेटर के माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि लेटर में कैसे बनता है। स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर है ना, यहाँ पे सबसे पहले लेटर है, ईमेल है, इनवेलप्स है, लेबल है, डायरेक्टरी है, बहुत चीज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लेटर का एग्जाम्पल देखते हैं कि लेटर कैसे बनाया जाता है और लेटर कैसे भेजेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि लेटर का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक आदमी को नहीं भेजना है, मतलब 100, 200, जितने को आप भेजना चाहते हैं उतना को आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो लेटर कहाँ पे यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल LIC में अगर जाके देखिएगा तो LIC का लेटर आता है जो सबके लिए कॉमन रहता है। लेटर में जो लिखा हुआ रहता है वो सारे, मतलब क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट हो सबके लिए सेम होता है, बस उसमें एड्रेस अलग रहता है, पर जो लिखा हुआ लेटर होता है वो सबके लिए सेम रहता है। पर किसी किसी बैंक में देखिएगा तो जो बैंक का लेटर, जैसे लोन लेटर हो गया, लोन का या लेटर आ गया, या कार लोन का लेटर आ गया, कुछ भी लेटर हो बैंक के जरिए जो आता है, उसमें आपको मेनली लिखा होता है नाम, क्लाइंट का नाम, कस्टमर का नेम लिखा होता है, कस्टमर का अकाउंट नंबर लिखा होता है, और दूसरा सब्जेक्ट रहता है, तीसरा आपको लास्ट में उसका एड्रेस हुआ तो एड्रेस रहेगा, ठीक है, इतना कुछ रहता है। तो ये सब कैसे अलग अलग आप दे सकते हैं, मतलब में हर कस्टमर का अलग अलग कैसे आप बना सकते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सबसे पहला, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, या नौवा नंबर प्रीव्यू रिजल्ट है ना, नाइन्थ नंबर में जाके आपका फाइनल लेटर बन के तैयार होगा इस पे, और यहाँ पे 10 नंबर पे फाइनली आपका लेटर रेडी हो चुका होगा पब्लिश करने के लिए, मतलब प्रिंट आउट निकालने के लिए। मतलब मिस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जर्नी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा लेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो कैसे कैसे बनाइएगा ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग सबको ही बोर्ड पर ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर सेलेक्ट करना होगा, तो यहां से लेटर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया लेटर। पर लेटर जब भी बनाइएगा आप सबसे पहले पेज लेआउट में पेज सेटअप जरूर कर लीजिएगा, जैसे आपका पेज A4 है, A3 है, वो पेज सेटअप आप लोग को कर लेना है पहले, ठीक है। पेज मार्जिन सेट कर लेना, ये सब ठीक है, जो मैंने पहले आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में क्या करना है, ध्यान से देखिए, टाइप ए न्यू लिस्ट, पहले तीन चीज का मतलब समझ लीजिए अच्छे से। टाइप ए न्यू लिस्ट, टाइप ए न्यू लिस्ट का मतलब है आपको एक न्यू एंट्री इसमें ऐड करना है, ठीक है। मतलब ये डाटा एंट्री वाला काम इसमें होगा, क्लियर है ना, डाटा एंट्री, साकेत ध्यान से सुनिएगा, डाटा एंट्री का काम होगा न्यू एंट्री में, ठीक है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब है बना बनाया लिस्ट जो पहले से मेरा कंप्यूटर में सेव है उसका यूज कर लीजिए, मतलब मिस नया नहीं बनाना है हमको, पहले से जो मेरा बना हुआ है उसका यूज हम कर लेंगे, क्लियर है। न्यू लिस्ट का मतलब नया बनाना, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब बना बनाया को लाना, क्लियर हो गया। अब थर्ड बोलता है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, मतलब मिस अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप लोग मोबाइल में जीमेल चलाते हैं, गूगल, आपका जो कॉन्टैक्ट है वो गूगल के साथ साथ गूगल कॉन्टैक्ट में भी रहता है, आपका नंबर बैकअप गूगल कॉन्टैक्ट पे भी रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे आउटलुक कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, जबकि आपका कोई भी कॉन्टैक्ट आउटलुक कॉन्टैक्ट में नहीं होगा क्योंकि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट से साइनिंग नहीं है, ठीक है।
इसका मतलब यह है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बनाना होगा, वहां जब क्रिएट कर लीजिएगा तो वहां पे आउटलुक कॉन्टैक्ट करके आ जाएगा। जैसे गूगल अकाउंट, गूगल कॉन्टैक्ट रहता है, जीमेल रहता है, यूट्यूब रहता है गूगल का सब, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक कॉन्टैक्ट है। ठीक है, क्लियर है ये तीनों चीज। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे टाइप न्यू लिस्ट। देखिए जैसे ही टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे मेरा ये वाला सेटिंग ऑन हो जाएगा, एडिट वाला, ध्यान दीजिएगा। टाइप न्यू लिस्ट में देखिए, क्योंकि मेरा लेजर बना हुआ नहीं है, मुझे बनाना है डाटा एंट्री, मुझे डाटा एंट्री बनाना है, इसलिए न्यू लिस्ट पे मुझे अब क्लिक करना होगा। ठीक है, तो न्यू लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। न्यू लिस्ट में क्लिक करने के दौरान आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप उसके बारे में क्या क्या डालना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सब चीज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंट्री, होम फोन नंबर, वर्क फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर आपको कंपनी में इतना सारा एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपको, अगर हॉस्पिटल में काम करते थोड़ी देर के लिए, वहां पे क्या जरूरत होता है, उसका नाम, उसके फादर्स नेम, उसका एड्रेस, तीन चीज ज्यादा से ज्यादा, तो उसके उसका ईमेल आईडी ज्यादा हुआ तो ज्यादा जरूरत हुआ, कंट्री ये सब नहीं लेता है। ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपको यूज है उसको रखिए, और जिसका आपको यूज नहीं है उसको इग्नोर कीजिए या हटा दीजिए। तो हटाइएगा कैसे, सबसे पहले आता है बात कि हमको इसमें से जो जरूरत नहीं है उसको हम हटाएं कैसे, रिमूव कैसे करें। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले नीचे देखिए कस्टमाइज है, कस्टमाइज के पहले न्यू एंट्री का मतलब नया बनाइए। देखिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पर अभी फिल नहीं कर रहे हैं, पर न्यू एंट्री यहाँ पे बॉक्स आ जा रहा है फिल करने के लिए। ठीक है, फाइंड का मतलब है आपने 100 लेजर बना रखा है तो उसमें से कोई एक खोजना चाहते हैं तो फाइंड के माध्यम से खोज सकते हैं। ठीक है, डिलीट एंट्री का मतलब है, देखिए अगर डिलीट मैंने अभी फिल नहीं किया है पर मुझे मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 चौथा नंबर को मुझे डिलीट करना है, डिलीट एंट्री पे क्लिक करूंगा, यस, कितना बचा, 1 2 3 बचा ना, 3, मतलब मैं जिस एंट्री को मुझे डिलीट करना है मैं उसे डिलीट भी कर सकता हूं। ठीक है, अब बात आता है कस्टमाइज, कैसे कस्टमाइज हम करें। ठीक है, तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना होगा, क्लिक कर दिए। यहां पे सबसे पहले पूछ रहा है टाइटल, फर्स्ट नेम, ये सब पूछ रहा है। अब इसमें अगर आपको ऐसा कोई चीज नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको कुछ हटके ऐड करना है, कोई अलग चीज, कोई नाम बताइए कोई, जैसे आपको यहाँ पे मिडिल नेम नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिडिल नेम, ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दे दीजिए मिडिल नेम। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं ओके। देखिए पर ये मिडिल नेम तो टाइटल के ऊपर चला गया, ये तो गलत हो गया ना, फर्स्ट नेम के बाद जाएगा ना, तो यहाँ पे है मूव अप मूव डाउन, तो मूव अप होगा कि मूव डाउन होगा बताइए सबको, डाउन तो हो गया ना, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आप टाइटल नहीं रखना चाहते हैं डिलीट, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए व्हाट इज जिप कोड, जिप कोड का दूसरा नाम है पिन कोड। ठीक है, तो यहां पे बहुत लोग जिप कोड नहीं जानते हैं तो यहां पे कर देते हैं इसको रीनेम करके पिन कोड डाल देते हैं और कर देते हैं ओके। ठीक है, और यहां से मान लीजिए कि आप वर्क फोन नहीं डालना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए, यस क्लिक कर दीजिए। यहां से आप कंट्री रीजन नहीं चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए, आई यस कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ओके क्लिक कर देते। अब हम डाटा अपना बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आप लोग 4 डाटा बनाइए, 4 एंट्री कीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सबका अलग अलग होना चाहिए, सब सिमिलर नहीं होना चाहिए, सब पे बनाइए।
आप लोग ऐसा कीजिएगा ना, चार ही एड्रेस फिल कीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर आपको दोबारा टाइम देंगे फिल करने का, अभी चार ही कीजिए, ठीक है ना, ज्यादा मत कीजिए क्योंकि टाइम आप लोग पास कम है। दो तीन एंट्री कर लीजिए, ज्यादा नहीं करना है। मैं सिर्फ 3 एंट्री आपको कर रहा हूं अभी। देखिए सब कोई 1 मिनट के लिए रुक जाइए, सब कोई आप लोग को टाइम देंगे। आप लोग बोर्ड पे थोड़ा देख लीजिए, जिनका 2 हुआ है 2 पे रहने दीजिए, जिनका 1 हुआ है 1 पे रहने दीजिए, पर अब रुक जाइए, ठीक है, टाइम कम है, फिर हम आपको समय देंगे करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने 3 एंट्री किया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, 4 एंट्री हो गया ना। अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके, ठीक है ना, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर दिया। जब जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, ये कहता है आपको, क्या आप इस डाटा को सेव करना चाहते हैं? तो बिल्कुल आपको इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको अपना इस फाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सबको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कीजिएगा, नहीं तो कहीं और सेव हो जाएगा। देखिए सबको बोर्ड पे जब आप सेव किए, देखिए एडिट ऑन हो गया, ऑन हो गया। अब देखिए एडिट का क्या काम है, अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि मैंने कुछ एंट्री में गलत नाम फिल कर दिया, मुझे सही नहीं फिल किया, मुझे चेंजेस करना है, ठीक है, तो इस एडिट पे आप क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। देखिए एडिट पे क्लिक किए, यहाँ पे जिसको बदलना है, जैसे मान लीजिए इसको बदलना है, क्लिक कर लिए, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक कीजिए, इस पे, हाँ, और एडिट पे क्लिक। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट क्लिक करना है, तो देखिए आगे ना आपका, और यहाँ से जो चेंजेस करना है कीजिए और ओके क्लिक कर दीजिए, यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, एडिट कर सकते हैं ना, है ठीक है। अब यूज कैसे करेंगे वो देखिए, देखिए यहाँ पर सबको इंसर्ट मर्ज फिल, ध्यान से देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए ना। सबसे पहले दे देते हैं, पहले क्लिक कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए हमको, इंटर मार के यहाँ पे 2 में गए, फर्स्ट नेम, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट नेम के बाद मिडिल नेम भी आना चाहिए साथ में, मिडिल नेम और लास्ट नेम एक साथ हो गया, इंटर मार देते हैं, ये सब कोडिंग है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, एड्रेस दिए थे ना, कंपनी नेम दिए थे, कंपनी नेम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस, ठीक है, इतना सारा फिल किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम हो गया आपको इंसर्ट मर्ज फिल में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटर मार के एक और दे देते हैं वहीं पे एड्रेस उसका, ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद अगर आपको प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे राहुल राजकुमार एक साथ हो गया ना, गलती हो गया ना। अब देखिए इस पे क्या क्लिक,
स्पेस डाल दीजिए। ठीक है, अब प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। हो गया डिस्टेंस, दोनों के बीच में गैप। अब इसको फाइनल मर्ज कर देते हैं। और ये कह रहा है सबसे पहले कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, हाँ अलग अलग सबका डॉक्यूमेंट बनाइए, ऑल सब पे कीजिए। ओके, देखिए एक राहुल का बन गया, दूसरा देखिए रोहित सिंह राजपूत का बना, तीसरा किसका बना, प्रशांत रॉय का। तीन लेटर मेरा रेडी हो चुका है, मैंने तीन एंट्री किया था, तीन लेटर मेरा तैयार हो गया। सबसे पहला राहुल राज, दूसरा रोहित सिंह, तीसरा प्रशांत रॉय, बन गया ना। सब कोई करके देखिए।